हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सिक्स इट सेस वॉट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इको सिस्टम तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है और उन्होंने ये पूछा है कि क्या इसकी कंसनट्रेशन अलग अलग होती है अलग अलग लेवल पे सो येस द डिफरेंसी द कंसनट्रेशन इज डिफरेंट बट पहले हम ये जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है तो हमारे पास हमारे नेचर में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब कि जो रिड्यूस नहीं हो सकते रिड्यूस मतलब कि हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू नहीं निकल सकते तो होता क्या है कि मान लो वी हैव सम कॉन्सनट्रेशन ऑफ मर्करी इन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मान लेते हैं जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आपको जीरो पॉइंट टेन मिलेगी फिर नेक्स्ट पे आपको 0.15 मिलेगी ऐसे ही हाईएस्ट ट्रॉपिक ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते इट माइट बी 0.50 हो सकता है कि 0.50 हो जाए तो होता क्या है जैसे जैसे हमारी फूड चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का वो भी बढ़ता जाता है सो दिस इज़ वॉट बायोलॉजिकल मैग्फिकेशन इज़ की फिनमिना ऑफ़ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सर्ट हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेब बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स सच एज डी टी टी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अब जो हमारी कंसंट्रेशन है वो कैसे बढ़ती जा रही है हार्मफुल केमिकल्स की वो मैंने आपको बता दिया अभी ऐसे बढ़ती है और ये याद रखना कि लोवेस्ट आपकी होगी कंसनट्रेशन इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सबसे कम कंसनट्रेशन कहाँ पे मिलती है ट्रॉफिक लेवल वन पे और हाइएस्ट कहाँ पे मिलेगी लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे सो रिमेंबर दिस फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दिस माइट बी आस्ट क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है फॉर आवर इन्वायरमेंट So, this is the answer. This is how you need to write question number six. Thank you for watching. Have a great day.